वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बीचैम में। आज इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे जो आईटीआई का फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइज, इसके आंसर की को डिस्कस करेंगे अपने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक इन्वर्टर का क्रय मूल्य 10,800 रुपये है, इसे 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इन्वर्टर का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्या करेंगे, इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ देंगे या इसका 110% फाइंड करेंगे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, वो होगा ए ऑप्शन, 11,880 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर एक निर्माता 10% लाभ कमाता है, उसी वस्तु पर थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता क्रमशः 15 और 25% का और लाभ कमाते हैं, तो उस वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात करनी है हमें, जिसका खुदरा मूल्य क्या है, 1,265। मतलब ये विक्रय मूल्य है तो अपने को क्रय मूल्य इसमें फाइंड करना है, ठीक है? तो ये आ जाएगा इसका 800 रुपये आंसर आएगा इसका, आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ब्याज की दर से 6 वर्षों में 15,320 रुपये के 3,064 रुपये हो जाएंगे, तो इनमें सभी ऑप्शन इसके गलत है और इसका जो सही आंसर है वो होगा 3.3% आएगा इसका, साधारण ब्याज की दर से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मूलधन 3,584 रुपये हो तो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन में कुल कितना धन प्राप्त होगा? तो इसमें समय कितना लेना है अपने को, 219/365 कर देंगे तो साल में चेंज हो जाएगा। वैसे देखिए इसके ऑप्शन में कोई भी 3,500 से तो ज़्यादा ही होगा इसका आंसर, ठीक है? तो इसके सभी ऑप्शन गलत हैं और इसका ब्याज जो आएगा वो 86 रुपये आएगा, और टोटल अपने देखें तो ये आ जाएगा 3,670 रुपये आएगा इसका आंसर, ठीक है? तो ये भी यहाँ पर गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक वृत्ताकार स्टेडियम है जिसका व्यास दिया गया है और 3 वायरिंग करनी है इसके ऊपर, तो इसने सभी का जो रेट दे दिया है कि जो न्यूट्रल और लाइव वायर है उसका 15 रुपये पर मीटर है, और उनका है जो 5 रुपये पर मीटर है अर्थ का, तो इसमें टोटल कॉस्ट बताना है। तो अपने क्या करेंगे, कितनी वायर लगेगी वो फाइंड करना है, तो वायर क्या आ जाएगी, 2πr परिधि से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसका जो आंसर आ जाएगा फिफ्थ का वो आ जाएगा 10,780 रुपये इसका आंसर आ जाएगा टोटल। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -5, 2 और 2 -5 चतुर्थांश में कहाँ पर स्थित होंगे? तो ये दूसरे और चौथे में स्थित हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं ए बी सी डी जोड़े इनको तो क्या आयत प्राप्त होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा आयत, इनमें अब बीच की दूरी प्राप्त फाइंड कर लेना कि इनके बीच की दूरी क्या आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु P से लंबवत खींचे गए एक्स तथा वाई एक्स क्रमशः बिंदु M व N पर मिलते हैं, तो इन बिंदुओं M व N के निर्देशांक क्या होंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 सेमी ऊंची बाल्टी की शीर्ष व तल की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेमी 7 सेमी है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है वो बी आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है 1/3 H² + r² + R² + R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां जो है, एक वर्गीय पिरामिड के छिन्न की ऊंचाई 28.5 आधार दे दिया और शीर्ष तल की लंबाई दे दी, तो छिन्न का आयतन बताना है अपने को इसमें, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 79.5 आएगा। इसका फॉर्मूला है 1/3 H(A) मतलब एरिया +a√A। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, यह भी वर्गीय पिरामिड का ही है जिसमें आयतन दे दिया और इसमें ऊंचाई पूछ ली है, तो इसका आंसर आ जाएगा 467.57 mm आ जाएगा। इसको चेंज जरूर करना है यहाँ से, याद रखिए डेसी दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिस्टम जो है जिसका बेस 8 होता है, तो 8 किसका बेस होता है, ऑक्टल सिस्टम का 8 होता है। नेक्स्ट है, बाइनरी संख्या 10111 का दशमलव रूप क्या है, तो इसको अपने कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 23 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 18 का बाइनरी रूप क्या है, तो 18 का जो बाइनरी रूप है वो है 10010, ठीक है? नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बाइनरी संख्या 10101 का दशमलव भिन्न क्या होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो है सी, 41 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या 16 का दशमलव रूप क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाइनरी संख्या है जो 1111 का हेक्साडेसिमल रूप क्या होगा, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो ये आंसर आएगा 1C आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अल्फा न्यूमेरिक संख्या सिस्टम का अन्य नाम क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं जिसमें मतलब अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल दोनों हो, तो उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बॉक्स है 4 फीट ऊंचा और 3 फीट चौड़ा है, इसको समतल के सहारे रख दें तो जो थीटा एंगल होगा उसका मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 53.1 डिग्री सेल्सियस आएगा, टेन इनवर्स करके फाइंड कर सकते हैं अपने। नेक्स्ट 20वां है, कोई ठोस अपनी सम अवस्था में है, इस स्थिति में इस पर लगने वाला गुरुत्व बल इनके प्रत्येक कण पर समान बल आरोपित करता है, जो इसे तो क्या आएगा इसका गुरुत्व केंद्र पर लगने वाले एकल बल के द्वारा स्थानांतरित कर सकता है। तो 20वें का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौना कार विभिन्न प्रकार के तलों पर समानांतरिक गति से छोड़ी जाती है, किस तल पर इनकी गति सर्वाधिक होगी? तो यहाँ पे देखिए, मिट्टी, सीमेंट, पॉलिश, मार्बल और ईंटों। तो आपको पता है जहाँ फ्रिक्शन कम होगा, घर्षण कम होगा, वहीं पर ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 21वें का, आ जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, कि किसी तरल के किसी बिंदु पर प्रभावी घर्षण निम्नलिखित में से किस घटक पर निर्भर नहीं करता है? यहाँ पर बताना है नहीं करता है। तो ये देखिए, उस वस्तु की गति, आकृति और प्रकृति पर तो निर्भर करता है तरल की, पर तरल का रंग कैसा है इस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। देखिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है ट्राइंगल ऑफ फोर्स नियम के अनुसार, कि जो ट्राइंगल ऑफ फोर्स होता है उसमें क्या होता है, उसका नियम क्या है? तो उसका आंसर है यहाँ पर हो जाएगा सी। इसका नियम ये होता है कि जो भी फोर्स यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनके परिमाण व दिशा को क्या करेंगे, त्रिभुज की भुजाओं से अपने शो कर देंगे। तो ये होगा, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतले खोखले शंकु का गुरुत्व केंद्र इसके वर्ती आधार में अक्ष से कितने ऊंचाई पर होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, आधार के ऊपर 1/3 ऊंचाई पर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? तो देखिए, किसी वृत्त का सीजी उसका केंद्र होता है, ये सही है। इसी तरह बी भी सही है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, और आयत का सीजी क्या होता है, उसके विकिरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। पर जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है, अर्धवृत्त का सीजी उसके केंद्र से 2/r की दूरी पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो व्यास पर ही आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, परिधि पर आ जाएगा उसके। तो ये ऑप्शन इसका नहीं होगा, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपने जो इसको डिस्कस किया है, अगर आपको इसके न्यूमेरिकल पार्ट में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसमें। ऑल द वेरी बेस्ट।